नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके दो डाउट्स और क्वेरी हैं, उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्या बिजनेस जन्म स्थान पर या जन्म स्थान से दूर करना ठीक रहेगा, और दूसरा ये है कि कहीं से आपको जानकारी प्राप्त हुई है कि दो मैरिज के आपके योग हैं, तो क्या ये बात सत्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यूनियन लाइन एक से अधिक जब भी होती है तो यह बात बिल्कुल सही होती है कि एक से अधिक रिश्ते आप जैसे जातकों के जीवन में बनते हैं, लेकिन क्या एक से अधिक बार मैरिज ही होगा? तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग राहु लाइन या फिर डिवोर्स के कॉम्बिनेशन अर्थात अलगाव के कॉम्बिनेशन दिखने चाहिए, तब जाके इसका कन्फर्मेशन दिया जाता है। वो आपके हथेली में नहीं है, तो इसीलिए आपके डबल मैरिज के कोई योग नहीं है। बस यहाँ पर एक से अधिक पार्टनर को यह डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंडिकेट कर रहा है। उसके पीछे कारण भी ये है कि जब भी हार्ट लाइन का मार्स से कनेक्शन होता है तो आप जैसे जातक कोई भी निर्णय लेने में या किसी भी रिश्ते में जाने में ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। दूसरा, यह मांगलिक दोष को भी दर्शाता है, मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, जिसके कारण एक बहुत अर्ली एज में टेम्पररी यहाँ पर रिलेशन और इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, देन आफ्टर लेटर एज में फिर से एक रिलेशन क्रिएट होने वाला रहता है। लेकिन फर्स्ट वाला जब स्किप होता है तो सेकेंड में कन्फर्मेशन होता है कि अब आपका एक ही मैरिज है और किसी तरह का अलगाव का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। दूसरा, यह इस तरह के जब भी मार्स का कनेक्शन शो होता है तो आफ्टर 28 मैरिज करना बहुत अच्छा देखने मिला है, क्योंकि 28 के बाद में मंगल दोष का किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव के कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर देन आफ्टर आप जैसे जातकों की मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी स्टेबल होती हुई पाई जाती है। यह ज़रूर सजेशन है कि मंगल दोष के उपाय के अतिरिक्त मंगल शांति आपको कराना चाहिए ताकि फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीज़ें लाइफ से ख़त्म हो सके। बहुत ज़्यादा जो हाइपरटेंशन, वरीज आ जाती है, रहते रहते बेचैनी और उतावलापन होता है, उन सब पर भी नियंत्रण आए। ब्लड प्रेशर हाई के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम के आसार हैं, वो भी आपका ठीक हो सके और ओवरऑल आपका रिलेशंस बहुत अच्छा मेंटेन रह सके। तो यहाँ पर ये आपको काम करा लेना चाहिए। बाकी आपके पाम में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, दूसरा मून लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, तो ये कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज का ही होता है। इस कंडीशन में पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा लक्की साबित होने वाले होते हैं। और यहाँ पर यह साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि 28 प्लस में जा करके आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और यह कंटिन्यू प्रोग्रेस आपके लाइफ में लेकर के आएंगे, क्योंकि जुपिटर के ऊपर भी हम देख सकेंगे कि यहाँ पर भी आपके रेक्टेंगल का साइन फॉर्म हो रहा है और दूसरी बात आड़ी रेखा भी मौजूद है। तो यह कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज प्लस सक्सेसफुल मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, यहाँ पर हम देखें कि आपका प्रोग्रेस कहाँ है, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ लाइन जो है बाहर की तरफ जा रही है। दूसरा, आपका जो पाम है उसमें मून लक लाइन एक्टिव बहुत अच्छा हो रखा है। यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र पे एक स्लाइटली ट्रेंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा सफलता दिलाते हैं। आप जैसे जातक जितना ज़्यादा भ्रमण करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई जगह पर जाते हैं, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट रिलेशंस बिल्ड करते हैं, उतना ज़्यादा काम में बरकत, तरक्की मिलता जाता है। जो जातक शून्य से बहुत बड़े इंसान बनते हुए देखने को मिले हैं, तो उनके हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा और सूर्य का क्षेत्र देखने को मिल गया है, जिनका प्रॉपर्टी, घर बनना, व्यवसाय स्थापित होना सब जन्म स्थान से दूर परमानेंट देखने को मिला है, तो सूर्य पर ट्रायंगल का साइन या स्क्वायर का साइन आया है और अभी आपके हथेली में यह आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो लक लाइन है इसमें जो मर्करी लाइन का स्लाइडली कनेक्शन हुआ है, ये समय आपके जीवन में रहने वाला है 28 और 29 का। और वही अगर हम माइंड लाइन भी देखें तो माइंड लाइन में प्रॉपर स्टेबिलिटी जो आ रही है और स्लाइडली लेवल का जो ट्रायंगल का साइन भी बिल्ड हुआ है वो भी आफ्टर 29 ही हुआ है। तो यानी 29 के एज से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है और बहुत अर्निंग अच्छी होने के साथ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने काम को फैलाने के रिगार्डिंग आएगा। फिलहाल के कंडीशन में आपको अपने स्किल स्पेशलाइजेशन पर काम करना चाहिए, अपने अपग्रेडेशन पर ध्यान देना चाहिए और कंटिन्यू बेसिस पे और ज़्यादा अपने काम को समय और परिस्थिति के अनुसार निखारना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन पे जब भी ट्रायंगल बन रहा होता है तो उसके पहले ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को लर्निंग देते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से, लेसन्स के माध्यम से या इंसिडेंट्स के माध्यम से। तो इस कंडीशन में मेंटल स्टेबिलिटी रखना है, लर्निंग को बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, एफर्ट्स को अपने बढ़ाना है और अपने डिज़ायर को कभी भी कमज़ोर होने नहीं देना है, क्योंकि जब भी पाम में मून लक लाइन होती है तो मन जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बल रखता है
तो जाकर के यह भाग्य रेखा मनोवांछित फल व्यक्ति को दे देती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन साथ के कारण आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमेशा रिश्ते बना करके चलना, रिश्तों को ले करके चलना, लोगों को या अपने सर्विसेज को बहुत अच्छे रूप से प्राथमिकता देना ज़रूरी होता है। आपकी असली कमाई लोग रहने वाले हैं और वहीं से आपका कार्यकाल या फिर आपका काम बहुत बड़ा स्तर पर जाने वाला है। सूर्य के क्षेत्र पर भी ट्रायंगल का साइन तभी स्ट्रांग हो जाता है जब बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट गुडविल क्रिएट होना शुरू होता है, और वो शुरू होता है सर्वप्रथम व्यवहार से। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा, मरकरी रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा ताकि आपका बिजनेस लक इन्हेंस हो सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपका यहाँ पर फिर से मून लक लाइन ही है कि जिस चीज़ में आपका मन लगेगा उसके रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके मनोवांछित फल जीवन में होंगे। मन का सारा काम ये भाग्य रेखा अंततः करा देती है। इस भाग्य रेखा में सिर्फ एक चुनौती दिखी है कि ये शनि के क्षेत्र तक पहुंची नहीं है, जिसके कारण यह हर बार एन वक्त पर आकर के काम को रोकेगी, अड़चन लाएगी, बाधाएं लाएगी। एक स्टेप लेना है कोई भी काम पूरा हो, बस वही फाइनल स्टेप में प्रॉब्लम्स अपने आप क्रिएट होने शुरू होंगे। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म पर ध्यान देना चाहिए, सन को और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहिए, अपने मन की इच्छाओं को और ज़्यादा प्रबल करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न पहले टेस्ट यहाँ पर लेते हैं, देन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो आपके जीवन में मिल तो सब कुछ जाएगा, लेकिन संतुष्टि आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यह भाग्य रेखा जब तक शनि को प्रॉपरली नहीं जाएगी तब तक जीवन में सेटिस्फैक्शन स्टेबिलिटी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुछ और सजेशन रेमेडी शेयर किया जाएगा। देन आफ्टर आपके लाइफ में जो मेजर स्ट्रगल स्ट्रेस वरी है और खासकर जो असंतुष्टि है, ये सब पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव और शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व देती है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं, सहने की क्षमता बहुत अधिक देखने को मिलती है और अधिकतर मामलों में शांत रहते हुए दूसरों के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हुए या बहुत ज़्यादा भागदौड़ी करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। आप जैसे जातकों को सिर्फ एक डायरेक्शन मिल जाए, एक विज़न मिल जाए, तो कंटिन्यू उस तरह के काम में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण प्रोग्रेस थोड़ी सी लेट ही सही लेकिन परमानेंट होकर के आती है। क्योंकि लॉन्ग फिंगर यहाँ पर जो सहन शक्ति है, किसी चीज़ को सहने की क्षमता के साथ में किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, गहन अध्ययन करने की क्षमता, सभी तरह के विपरीत परिस्थितियों को सही ढंग से संभालने की योग्यता, ये सभी तरह की चीज़ें अच्छी होने के कारण आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को रिप्लाई कम लेकिन कर्मों से, अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा रिप्लाई देते हुए पाए जाते हैं। अब उसी में जब फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि की तरफ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दयालु व धार्मिक, आध्यात्मिक और ईमानदार यह कॉम्बिनेशन बनाता है। छल कपट, ईर्ष्या द्वेष जैसी चीज़ें आप जैसे जातकों में नहीं होती, और फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण आप जैसे जातकों का मिसगाइड और मिसयूज़ भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी कम हो जाती है, दूसरों को ना नहीं कह पाते हैं, दूसरों के अनुसार या दूसरों के अतिरिक्त रह करके चलना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप अभी अपने मस्तिष्क पे, अपने मानसिकता के अतिरिक्त विकास पर ध्यान देंगे, जैसे एजुकेशन लेना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग लर्निंग करना, इनिशिएशंस लेना, रिस्क लेना शुरू करना, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, तो आपका जुपिटर अच्छा होने लगेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, विजडम आना शुरू होगा, और देन आफ्टर आपका मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकेगी। तो फिलहाल के समय में यह जुपिटर नौकरी देता है या नौकरी जैसा ही पेशा कार्यकाल देता है, लेकिन जैसे ही यह जुपिटर को सन का सपोर्ट और मरकरी का सपोर्ट आना शुरू होता है, देन आफ्टर ये मालिक बनाना शुरू करता है। तो उसके लिए खुद को निखारना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। शनि की उंगली बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो मेहनत कर्म जैसी चीज़ों में किसी तरह की कोई कमी आपके अंदर नहीं है। जो भी काम दिया जाए आपको, मानसिक, शारीरिक या दूसरा या अपना किसी का भी, बहुत सही ढंग से कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आप कर्म मेहनत करेंगे, प्रयत्न प्रयास करेंगे, यह शनि उतना अच्छा फल आपको जीवन में देते चले जाएंगे। इसीलिए आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि लोगों को जोड़ करके बना करके रखना पड़ेगा, ये मून लक लाइन का एक तरीके का रिक्वायरमेंट है, लेकिन यह सैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हर विषय में बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। आपको शनि महाराज या आपके पितृ पूर्वज आपको सहयोग देने के लिए लोग भेजेंगे या परिस्थिति आपके सहयोग में आएगी। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है और इसी तरह की ईमानदारी रखनी है। देखिए, ये राजा तुल्य जीवन शैली आपको दे देंगे,
लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी जा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है आपका लिटिल फिंगर। तो ये बिजनेस लक सेंस ओवरऑल बहुत अच्छा दे रहा है। और फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं एक बरोबर की अभी दिखाई दी है, जिसके कारण ये जल्दी रिश्ते बनाता है और बिगाड़ता भी उसी तरह से है। रिश्ते बिगाड़ने का जो पूरा जिम्मा है वो मंगल के अतिरिक्त आता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो इमोशंस हैं हमारे वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इसी कारण तो हमें इरिटेशन और एग्रेशन आता है। तो जैसे ही मंगल शांति होगी, आपके अंदर से गुस्सा, बहुत ज़्यादा बेचैनी, नकारात्मक सोच रवैया, ये सब तरह की चीज़ें खत्म हो जाएगी, सिर्फ सकारात्मकता बचेगी और वही अंततः सकारात्मकता को भी अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपके रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन होते हुए, डेवलप होते हुए और काम आते हुए देखने को मिलने लगेंगे। फिंगर के बीच में जब इस तरह के गैप मेंटेन होते हैं तो यह इंडिपेंडेंट टाइप का थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातक अपने अनुसार काम करना, अपने अनुसार निर्णय लेना, अपने अनुसार जीवन शैली निर्मित करना पसंद करते हैं। यह ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है। तो आप जैसे जातकों को जितना ज़्यादा फ्रीडम मिलता है अपने काम में, ये किसी काम के जब बॉस बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो असीमित सफलता जीवन में आती है, क्योंकि किसी तरह का लिमिटेशंस लाइफ में रह नहीं जाता है। अधिक खर्चीले स्वभाव भी देता है, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा में आप जैसे जातक वर्तमान में रहना और वर्तमान को अच्छा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर काम करना और बड़े स्तर के लिए रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपको मजबूत स्थिति में गया है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, उतना अच्छा जीवन आपका होता जाएगा। यह सूर्य पहले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तप व संघर्ष कराते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मेहनत प्रयत्न प्रयास को बेकार जाने नहीं देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ये जीवन में कभी नहीं मिलेगा, तो एक बार अपने सूर्य पर विश्वास करिएगा और ज़रूर जा कर के किसी भी तरह का रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सूर्य आपको अंततः सुखद परिणाम देने ही वाले हैं। इसीलिए तो यहाँ पर भी आपके पॉजिटिव साइन आ रहा है, अन्यथा यहाँ पर नेगेटिव साइन ही अवेलेबल रहता। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो अभी भी कन्फ्यूजिंग माइंड सेट है। और खासकर फर्स्ट फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद है, तो फैमिली से दूर रहने के योग यहाँ पर यह दर्शा रहा है। आप जैसे जातकों को फैमिली से न्याय नहीं मिल पाता है, जो आपका हक है वो भी नहीं मिल पाता है। कभी भी अपना हक मत लीजिएगा, ना अपने फैमिली मेंबर या किन्हीं से भी लड़ाई मत करिएगा अपने कुल में किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा आप दान धर्म करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को त्यागेंगे, उतना जीवन के स्तर में आप ऊपर उठते चले जाएंगे सभी के कंपैरिजन में। यानी ये वही वाली बात है कि छोटा चीज़ छोड़ा बड़ा चीज़ पाया। सर्वप्रथम यहाँ पर आपका कर्ज है, तो यहाँ पर आपको फैमिली से दूर रह करके रसना बसना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा बिना किसी के सहयोग के, और अपने हक की चीज़ भी देनी होगी, तब जा करके आपका जुपिटर एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा, जो अभी आपको कहीं ना कहीं मालिक जो नहीं बना पा रहा वो मालिक आपको तुरंत बनाना शुरू कर देंगे। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप अच्छी जा रही है, तो स्टेमिना एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जब भी शॉर्ट थंब होता है तो शॉर्टकट हर विषय में अपनाने का मन करता है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी इसी कारण से होते हैं। लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके जब काम करेंगे, जैसे कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, आपकी 10 साल की नीति रणनीतियाँ क्या हैं, उस पर क्या काम हो रहा है कि नहीं, तो ये जो शॉर्ट थंब है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होने लगते हैं, जैसे बेचैनी, हड़बड़ाहट, घबराहट, तुरंत बहुत ज़्यादा फेरबदल कर देना अपने निर्णय और योजनाओं में, इन सब तरह की चीज़ों में रुकावट आ जाती है। फिर इस शॉर्ट थंब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू होता है, जो बोल्ड पर्सनैलिटी होती है वो निखर के आने लगती है, हिम्मती स्वभाव, बहुत ज़्यादा करेजियस नेचर होने के कारण आप जैसे जातक किसी भी तरह की सिचुएशंस को, लोगों को हैंडल कर पाने में, अपने अंडर कंट्रोल कर पाने में फिर सक्षम हो जाते हैं। तो इसका थंब का आप कुछ प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना हमेशा ज़रूरी है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में आ रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की अगेन निशानी होता है। स्क्वेरिश हैंड वाले जातक अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन खुद लाभ नहीं उठाते, दूसरों को लाभ ज़्यादा देते हैं। जैसे रिसोर्सेज का तात्पर, आपके पास पैसा अच्छा रहेगा, आपके पास बहुत अच्छा लेवल का लग्जरीज एंड मटेरियलिज्म हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त यार, वो सब ज़्यादा उठाएंगे, क्योंकि आप जैसे जातक डाउन टू अर्थ रहना, कम रिसोर्सेज में भी अच्छे लाइफ जीना, कम रिक्वायरमेंट्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल इस तरह का कॉम्बिनेशन मेहनत के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा
साम्राज्य स्थापित कर पाने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर का भाग्योदय और रईसी कहीं ना कहीं बार बार दिखाई दिया है। अब यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे, तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले तो आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छे लेवल की डेवलप हो रही है। इस तरह की लाइन वाले जातक जीवन में लगातार समृद्ध और लगातार उन्नति में जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह रेखा हमेशा प्रेरित व प्रभावित करती है आगे बढ़ने के लिए। चेष्टा बल को बनाए रखती है कि नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, हमेशा अपने एफर्ट के बाहर जाना है, नए नए तरह के कार्य करने हैं, नए नए तरह के एक्सपीरियंस लेने हैं, लाइफ को बेटर करने पर ही ध्यान देना है। क्योंकि यह रेखा महत्वाकांक्षी जो बनाती है उसी के कारण ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। तो जो थंब पे बताया गया कि विल पावर इच्छा बल को कम मत करिएगा, वैसे ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी कम मत करिएगा। ये दोनों चीज़ आपके जीवन में स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, आपका एक लक है जो हमेशा आपको और आगे बढ़ाएगी। बड़ी सोच बड़ी नियत रखने पर ये ज़रूर होता है कि पागलपंती लगती है, लेकिन अंततः वही बड़ी सोच नियत या इमेजिनेशन एक दिन बिल्कुल सही ढंग से साबित होती है, बिल्कुल रियलिटी में आती है। तो वो जो रियलिटी में नहीं है वो तो राहु है, लेकिन जो रियलिटी में ला दे वो सिर्फ एकमात्र गुरु ग्रह है। तो इसीलिए आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर रखिए और अपने विचारों पर लगातार ध्यान दीजिए किस तरह के आ रहे हैं। जिस तरह की विचारधारा रहेगी उस तरीके का जीवन शैली इस तरह के गुरु आपको देंगे। तो इसीलिए हर समय बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहना, बहुत ज़्यादा ऊँची सोच ऊँची नियत ऊँचे कर्म पर ध्यान देना, और यहाँ पर कभी भी ईर्ष्या द्वेष या फिर नकारात्मकता जैसी चीज़ों से सामना नहीं करना, इनके अतिरिक्त आना ही नहीं। तो देखिए आपके जीवन में किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी और अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होती हैं, और यही सब तरह की चीज़ें आपके अंदर काबिलियत ले करके आएगी, जिसके कारण रेक्टेंगल का साइन बनेगा। और जैसे ही यह चिन्ह बनता है तो ये इतना पॉजिटिव साइन है, इतना ज़्यादा यह सिक्योरिटी देता है साइन कि कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता। चाहे रिसोर्सेज हो, इकोनॉमिकल कंडीशन हो, फैमिली कंडीशन हो, मैरिड लाइफ हो, सोसाइटी का स्टेटस हो, पावर पोजिशन हो, सब कुछ सिक्योर लाइफ में रहता है, सब चीज़ बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। एक जो औधा है जीवन का वह इस तरह का चिन्ह व्यक्ति का बढ़ा देता है। तो यहाँ पर यह चिन्ह भी बन सकता है, एक अनदर स्क्वायर भी बन सकता है। ये सब डिपेंड करता है आपके धर्म पे, आपके कर्म पे और आपके ज्ञान पे, अर्थात आपकी मेहनत पे। इन सब विषयों में आप अगर मेहनत करते हैं तो गुरु का क्षेत्र विकसित अच्छा है, आपको जीवन में तुरंत के तुरंत भाग्योदय देखने को मिल सकता है। शनि के क्षेत्र के ऊपर भाग्य रेखा जरूर रुकी है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्लाइटली ट्रायंगल का साइन आ रहा है। जब भी किसी के हथेली में सैटर्न और सन की कंडीशन में इस तरह की आड़ी रेखाएं आ जाती हैं और दूसरा इधर से भी स्लाइटली कोई रेखा हमें दिख जाए तो इसे गर्डल ऑफ वीनस का साइन कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन वाले जातक कभी भी जॉब में सक्सेस नहीं कर पाते। जॉब में घिसी पिटी जिंदगी होती है, काम चलाओ हो जाती है, लेकिन यह जो रेखा जिन जातकों को मिलती है ईश्वर के द्वारा, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छे लेवल की आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, जो अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और उसको फिर दुनिया के सामने लेकर के आते हैं और बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े लेवल के पेंटर, राइटर और पोएट और किसी भी फील्ड में इनोवेशन करते हुए देखने को मिले हैं। खासकर इनका रिलेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, एज अ मीडिएटर वर्क करना या एट द एंड बिजनेस करना, वही प्रोफेशन में ज़्यादा प्रोग्रेस ऐसे जातकों का रहता है, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू प्रोग्रेस दिलाता है, जहाँ कोई बर्डन ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपके ऊपर कोई ना हो, आप उस काम के मालिक हों। तो इसीलिए यह सैटर्न अभी तक क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्क की कंडीशन आई ही नहीं अभी तक लाइफ में। तो जैसे जैसे आप ये सब कंडीशन लेकर के आएंगे या इन सब के ऊपर सोचना विचारना काम करना शुरू करेंगे, आपको तुरंत शनि और सूर्य का सहयोग आना शुरू होगा, जिसके कारण भाग्य में प्रबलता और कर्म में प्रबलता होने के कारण पैसा और सम्मान, ये दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में जीवन में आनी प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, इधर जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो कम से कम तीन जगह पर आपके घर होंगे, तीन जगह पर आपका काम या कारोबार या दुकान देखने को मिल सकता है। मेजर लाइफ में एक्सीडेंट लॉसेज जैसी चीज़ों से ऐसे जातक बच जाते हैं, और जीवन में जो बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, वो सबसे बेहतरीन समय जीवन में साबित हो जाता है। सब कुछ इच्छा मनोकामना सिद्ध हो जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि अगेन ट्रायंगल यहाँ पर सिक्योरिटी का साइन है, और जो व्यक्ति एम्पायर खड़ा कर पाते हैं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे पाते हैं, खुद बहुत ज़्यादा सही इंसान भी देखने को मिलते, तो इस तरह के शनि की कृपा के अतिरिक्त
ऐसे जातकों का कम से कम 3 बार बेनिफिट शनि महाराज कराते हुए पाए जाते हैं। दूसरा, इधर पे जो रेखा गई हुई है वो है आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के इंसान दिख रहे हैं। इमोशनल टाइप का होना कभी भी खराब नहीं होता है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि इमोशन हमारे लिए सही है कि गलत है। तो आपके लिए गलत है, आपका इमोशन अच्छा है लेकिन वो बार बार एग्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में जितना हो सके प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना चाहिए। बड़े स्तर पर समाज के लिए ज़रूर काम करिए, दूसरों के लिए काम करिए, असहाय लोगों की मदद करिए, लेकिन इमोशनल डिसीजन बिहेवियर रखने से हमेशा बचना चाहिए। इमोशनल फूल एट द एंड आपको नहीं होना चाहिए। तो जाकर के यहाँ पर जो ये सेकंड लाइन है, ये जो जुपिटर और सैटर्न के मिड में गई है, ये देना चाहती है आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, ओवरऑल एकदम गहन अध्ययन किसी विषय में कर जाना, बहुत जड़ तक किसी बात के पहुंच जाना। इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आने शुरू हो जाते हैं, पिन पॉइंट वैसे आंसर करना, बात सुनना कहना पसंद करते हैं। लाइफ में जो जो चीज़ें कचरा है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, वो सब एलिमिनेट करते हुए फिर पाए जाते जब ये रेखा एक्टिव होती है। तो इतनी पॉजिटिव लाइन है ये या साइन है ये, जो जुपिटर की ब्लेसिंग के अतिरिक्त सुकून देती है और सैटर्न के ब्लेसिंग के अतिरिक्त एकदम स्टेबल प्रोफेशन देती है। तो इसीलिए इस रेखा को हमें एक्टिव करने के लिए इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। जब भी शनि और सूर्य के मध्य में भी रेखा होती है तो विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में आँख बंद करके एज अ मीडिएटर एजेंट आपको काम करना चाहिए। दो पक्ष के बीच के काम को यहाँ पर यह रेखा सफलता में तब्दील करवाती है। किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, नए नए तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए, जितना हो सके भ्रमण करना चाहिए। ये रेखा आपको लोगों से भी जोड़ेगी और अंततः आपके मेहनत, आपके कर्म, आपके नाम के द्वारा बहुत बड़े स्तर का पैसा या सफलता भी देना शुरू करेगी। क्योंकि इस रेखा में हमारा जो ज्ञान होता है या कर्म मेहनत होता है वो हमारे काम कम दूसरों के काम ज़्यादा आता है। क्योंकि यहाँ पर शनि जो है समर्पण का भाव रखवाना सिखाते हैं और सूर्य यहाँ पर देने का भाव, हालांकि दोनों बात तो एक ही है, लेकिन यह दोनों इसी बात को डिफाइन करती है कि आपका योग्यता, आपका काम दूसरों के काम बहुत आएगा और वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। अब जो सूर्य का क्षेत्र है, यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स आपको एक से अधिक प्रोफेशन या एक से अधिक चीज़ों पर लेकर के जाने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आड़ी रेखा भी थी जो बदनामी या फिर नुकसान घर परिवार के द्वारा, पिताजी के द्वारा भी, एजुकेशन में भी दिलवाती है, लेकिन अंततः ये सब नेगेटिव लाइन खत्म हो रही है। अब जा करके इसमें पॉजिटिव लाइन इंटर हो रही है। ये ट्रायंगल बने ना बने, लेकिन स्क्वायर तो जरूर एक समय पर बनेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं या तभी आते हैं जीवन में जब जीवन की कायापलट हो रही हो, जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होनी हो, बहुत अच्छा समय बहुत ज़्यादा निकट हो। तो ये सूर्य सिर्फ नाम सम्मान सफलता ही नहीं बल्कि आपका वर्चस्व सर्वप्रथम दर्शाते हैं, आपकी आत्मा का सुख, आत्मा का सुकून और आपकी आत्मा को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ट्रायंगल बन रहा है, आपको अपने आत्मा की सुननी चाहिए और किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी तरह का सहयोग इधर उधर से नहीं मांगना चाहिए, अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपका देखिए एक स्टेप आपको लाइफ टाइम का सुख देने वाला है। कब वो समय आएगा ये अभी भी आपको जज करके बताना है। इसके बाद में रईसी की जो बात की गई थी उसके चिन्ह दिख रहे हैं, तो गर्डल ऑफ विनस तो दिखाई सही, दूसरा ये बुध की तरफ रेखा जो झुकती है, इसे यशस्वी योग कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे स्तर पर यश प्राप्त करते हैं, कॉन्टैक्ट रिलेशंस बिल्ड करते हैं, जिनके नाम पे काम होने लगे, तो ऐसी रेखा फिर निर्मित हो जाती है। बुध के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइन्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट इंडिकेट कर रहा है कि आपका बिजनेस लक डेवलप हो रहा है। और मीठी बोली का उपयोग करिए, और लोगों से मिलिए, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, आगे से लेकर के कम्युनिकेट करना शुरू करिए, या आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी पर्सनैलिटी में और बिजनेस लक में देना शुरू करेगा। हृदय रेखा का ऊपर की तरफ झुकाव पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है। और हार्ट लाइन में इस जब भी इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन आने लगते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर का प्रॉब्लम होने के आसार दिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसलिए फिजिकली एक्टिव रखना है। मंगल के पॉजिटिव एस्पेक्ट को जैसे फिजिकल फिटनेस, जिम, वॉक, इन सारी चीज़ों को एक्टिव रखना है तो आपको ये सब तरह के प्रॉब्लम मेजरली नहीं आएगा। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, सपोर्टिव और डेडिकेटेड टाइप के इंसान हैं तो आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा फ़ायदा अच्छा मिलना है। इसलिए जो जुड़ते हैं बिल्कुल जुड़िए, जो धोखा दे करके जाते हैं या साथ नहीं निभा पाते हैं तो उनको माफ़ कर आगे बढ़िए।
इस तरह के हृदय रेखा में बड़े लोगों से कनेक्शन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, बड़े स्तर पर जीवन शैली अपने आप बढ़ जाती है। शुरुआती जीवन में रिसोर्सेस कम थे, अर्थात सुख सुविधाएं कम थी। परिस्थितियों के कारण मेजर रिस्क या इनिशिएशन उम्र 18 के आसपास से ही लेना पड़ा। घर से बाहर 20 के बाद से ही कहीं ना कहीं निकलने के बंदोबस्त होने लगे। उसके बाद मंगल और राहु के इन्फ्लुएंस ने मेंटल स्ट्रेस वरीज आपको 21 से 24 के मिड में ज़्यादा दिया। 26 अभी चल ही रहा है, लेकिन अगेन ट्रेंगल का कॉम्बिनेशन आ गया है राहु रेखा के द्वारा, तो ये सडन गेन प्रोग्रेस का पॉजिटिव एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पर नहीं पता है कि लाभ मिलेगा और वहीं पे सबसे ज़्यादा लाभ मिल जाए, ये समय 29 का है। तो इसीलिए आपको जो मेजर रिस्क की यहाँ बात की गई वो 28-29 में आपको लेना चाहिए, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के एंडिंग में। इसके बाद आपकी माइंड लाइन पूर्ण रूप से स्टेबल है, कोई मेजर प्रॉब्लम इस माइंड लाइन में नहीं है, तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस ओवरऑल मिलेगा। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनाव की बहुत ज़्यादा स्थिति आपकी हथेली में नहीं है। एक हेल्थ इशू डेफिनेटली मेजर दिख रहा है 32 से 34 के मिड में, तो इस पीरियड में इंश्योरेंस मेडिक्लेम प्रॉपरली मेंटेन करके आपको रखना चाहिए, कोई नया काम नया रिस्क नहीं लेना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है फाइनेंस और हेल्थ को लेकर के। इसके बाद में लाइफ लाइन की क्वालिटी ओवरऑल स्मूथ आपकी चल रही है, सपोर्टिव लाइन आपके पाप में स्ट्रांगली और ज़्यादा डेवलप होना शुरू हुई है और नए नए तरह के सपोर्टिव लाइन्स आ रही है। शुक्र पर भी बहुत सारी रेखा आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चाहने वाले और अपने लोगों के द्वारा भी सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। मंगल को अच्छा करिए तो शुक्र की जो आड़ी रेखाएँ हैं जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देती है, नेगेटिविटीज़ देती है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कराती है, ये सब तरह की चीज़ें ख़त्म हो सकेगी। देर आफ्टर प्लेजर्स पूरे के पूरे फुलफिल हो सकेंगे और ये शुक्र अच्छा परिणाम देने के अतिरिक्त एक से ज़्यादा गाड़ी घर का सुख, अच्छा रहन सहन खान पान, तमाम तरह की ऐशो आराम भरी ज़िंदगी आपको देना शुरू करेंगे। तो चिंता मुक्त होना, नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग से दूर होना, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन से दूर होना, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, हर चीज़ों में अच्छा देखना बोलना सुनना शुरू करना चाहिए, तो यहाँ की आड़ी रेखाएँ जो घर का तनाव है, पार्टनर का तनाव है, प्लेजर जो फुलफिल नहीं हो रहा उसका तनाव सब खत्म होना शुरू होगा। फिश सिंबल यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप हो सकता है, इधर भी ट्रायंगल का साइन प्रॉपरली आ सकता है और ये सब कॉम्बिनेशन मुक्ति मोक्ष और फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के हैं। मरकरी लाइन अभी आधी अधूरी है, इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए अपने अंदर टैलेंट स्किल को बढ़ाइए, जो बार बार कहा गया कि लर्निंग को बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है, वो चीज़ करिए, तब जा करके ये मैनेजमेंट भी अच्छा करेगा, ऑर्गेनाइज वैसे काम भी कराएगा, पैसा भी अच्छा आएगा, रुके का सदुपयोग होगा, क्योंकि यह अंततः धन भंडार होता है जो हमेशा धन रखता ही है। तो दो चिन्ह हैं आपके हथेली में जो तुरंत मजबूत हो सकते हैं, एक तो ये ट्रायंगल का साइन, दूसरा यहाँ पर जुपिटर पर रेक्टेंगल का साइन। तो इसका सजेशन आपको दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर नवंबर इस साल आपके जीवन में सुखद समाचार और प्रगतिशील जीवन शैली होना शुरू हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है यही अप्रोक्स 28 से एक्टिव हुई है प्रोमिनेंटली। मरकरी लाइन स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, सन लाइन पे पहले बायफोर के यानी बहुत ज़्यादा भटकाव, देन आफ्टर सन लाइन में बायफोर का कॉम्बिनेशन यानी फिर से रईसी और एक से अधिक माध्यम से धनार्जन, ये सब जीवन में भटकने के बाद होने जा रहा है। पार्टनर की रेखा जो है दोनों हथेली में आफ्टर 28 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिलहाल अभी भी 2 साल आपको अपने काम में और समृद्धि पे, अपनी जीवन शैली पे, अपने बेस को मजबूत करने पे ओवरऑल देना चाहिए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।